हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पी ब्रॉस। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ये जबरा बीट्स 24002 ये हेडफोन्स का। तो ये बेसिकली आता है ब्लूटूथ और वायर्ड के साथ, और इसकी मेन स्पेशलिटी ये है कि ये लगभग आता है 24,000 का। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसकी कॉस्ट आती है लगभग 24,000 रुपीज़ में। ये आपको जबरा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखाऊंगा, और आप अगर सेम मॉडल अमेज़ॉन या कहीं ऑनलाइन साइट पे भी देखोगे तो कॉस्ट उसकी उसी रेंज में आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इसकी डिटेल्स बताऊंगा, क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, क्या ये सच में वर्थ है 24,000 रुपीज़ का या नहीं, या आपको वीडियो पूरा और एंड तक देखने के बाद ज़रूर पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब टू आवर चैनल पी ब्रॉस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जबरा की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन चूज करने के लिए देगा। तो यहाँ पे बेसिकली दो मॉडल्स आते हैं, जबरा बीट्स 24002 ड्यूओ और मोनो। तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल में आपको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ वो है ड्यूओ मॉडल, ना कि मोनो। सो मोनो में आता है सिर्फ सिंगल माइक और ये सिंगल स्पीकर, आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक एक ऑप्शन सिलेक्ट करके देखते हैं और क्या प्राइस आती है इसकी वो देखते हैं। तो ये यूएसबी ए का ऑप्शन सिलेक्ट किया मैंने, मेरा मॉडल है ड्यूओ और मुझे चाहिए मीडियम नॉइस कैंसिलेशन। यहाँ पे हाई का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है इस मॉडल में, ये हाई फाई ऑडियो बैंडविड्थ है, HD वॉइस का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ब्लूटूथ कंट्रोलर, यहाँ पे ऑप्शन ये दिया है इन्होंने ब्लूटूथ कंट्रोलर का, ये अलग से नहीं है, ये इनबिल्ट है जो आपको मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो ये जब बेसिक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉस्ट आ गई हमारी 23,858। तो ये जो मॉडल हमने सिलेक्ट किया ये जबरा बीट्स 24002 QD ड्यूओ मॉडल। ओके, तो आप अगर अमेजोन पे जाओगे और किसी और भी वेबसाइट पे जाओगे तो लगभग इसकी कॉस्ट सेम ही आएगी। तो चलिए अब एक्चुअल जो हमने मॉडल की जो बात की वो अनबॉक्स करते हैं। तो ऐसा ये स्टैंडर्ड बॉक्स आता है इसका, ना कोई बहुत सारा कलरिंग और बेसिक कलर, बेसिक बॉक्स का कलर ब्राउन उसके साथ आता है, एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन। ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आई है। तो ये एक्चुअली जो मैं अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग, वो उसी फ़ोन से इसी मॉडल से कर रहा हूँ। तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कितना नॉइस इसमें रिडक्शन होके कितने अच्छे क्वालिटी का साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हालांकि आजू बाजू में थोड़ा नॉइस भी है, बट वो आपको यहाँ पे इसमें सुनाई नहीं देगा। तो ये नॉइस कैंसिलेशन का है, ये मेन फैक्टर है इसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसका एक स्टैंडर्ड ब्लैक पाउच आएगा आपको, तो और बेसिक चीज़ें जैसे मैनुअल, तो ये यूज़र मैनुअल है, इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं कि कैसे यूज़ करना है, कौन से बटन्स किस लिए हैं, ब्लूटूथ कैसे ऑन करना है, और अलग अलग ये लैंग्वेज में आप देख सकते हो जो स्टैंडर्ड आता है उस अलग अलग लैंग्वेज में ये मैनुअल है। तो ये है फर्स्ट इंग्लिश का। तो अब देखते हैं हाउ टू कनेक्ट टू अवर लैपटॉप और मोबाइल। हम ये OTG केबल से मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो मोबाइल को कनेक्ट करके भी इसका अच्छा ही रिजल्ट आता है, वो मैंने खुद एक्सपीरियंस करके यूज़ करके आपको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो कंट्रोलर आता है, तो अगर मोबाइल भी आपको इस हेडफोन से कनेक्ट करना है तो एट ए टाइम आप कनेक्ट कर सकते हो। तो एक इसको इसका जो USB पॉइंट है वो आपको लैपटॉप पे लगाना है, और दूसरा जो है आपका जो कनेक्टर है वहाँ पे ब्लूटूथ ऑन का बटन है वो दबाना है, वो आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे कनेक्ट करके करना है। तो ये जो कंट्रोलर की मैं जो बात कर रहा था ये है, और हालांकि जैसे पिछले वाले पेज में आपको दिखाया गया कि कैसे आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, एक्चुअल जो माइक्रोफोन भी है वो भी एडजस्टेबल है, वो भी ट्विस्ट होता है, आपको लगेगा कि कहीं ये टूट ना जाए, बट एक्चुअली ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और आपको जैसा चाहे जहाँ पे चाहे आप उसको मोड़ सकते हो।
तो ये एक बहुत चीज़ मुझे अच्छी लगी इसको इसकी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉल्स कैसे लगाना है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है। तो ये जो आंसर बटन है, अगर आप सिंगल कनेक्ट क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली पीसी से जो फ़ोन आएगा उसको आप कर सकते हो कनेक्ट, डबल टैप पे रिजेक्ट कर सकते हो। और वो ब्लूटूथ पे जब आपका मोबाइल कनेक्टेड हो तो वो बटन से आप उसका कंट्रोल कर सकते हो। म्यूट के लिए भी जो म्यूट का सिंबल लास्ट में दिख रहा है वो यूज़ करके आप म्यूट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में सेम इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बहुत ही 2 पेज का इजीली अंडरस्टैंडेबल ये छोटा सा मैनुअल है, ठीक है। और इसके साथ एक जाबरा का ऐप भी आता है जो आप अपने हिसाब से जैसे आपको कंट्रोल्स चाहिए वो आप एडिट कर सकते हो उस ऐप के अंदर। तो आप देख सकते हो अलग अलग मॉडल्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या एक्सेसरीज है, पिन हो गया, बॉक्स हो गया, कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर का कवर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें बॉक्स में आ जाती हैं। बाकी ये सारी इसकी वारंटी कार्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा आ जाती है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत इतनी है नहीं, आप एक बार ये हेडफोन लेने के बाद उसके साइट पे जाके रजिस्टर करके आप वारंटी का जो भी है वो फ़ायदा ले सकते हैं। हालांकि अभी तक मैं ऑलमोस्ट ये 1.5 ईयर में यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली वार्निंग्स ये है कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ये हेडफोन यूज़ करते वक्त। तो चलिए दोस्तों, हम एक बार फिर से, ये कुछ तो मैनुअल उसी में आ जाता है, तो एक बार वो हम अभी ओपन करते हैं अपना जो एक्चुअल हेडफोन है। तो इसकी 3 ईयर्स की वारंटी आती है, इंटरनेशनल वारंटी आती है। हाँ, जहाँ जहाँ इसके सर्विस सेंटर होंगे वहाँ पे आप जाके इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हो कुछ इश्यूज आता है तो ये ऐसे पैक्ड आया। ये इसका यूएसबी केबल है, बहुत ही, हालांकि बहुत ही बड़ा केबल है। ऑलमोस्ट 2 मीटर का ये केबल होगा, इतनी नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जैसे आप अगर टीवी को कनेक्ट कर रहे हो, किसी मॉडल पे कनेक्ट कर, अगर आपको कहीं दूर से सुनना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड लुक आता है इसका। ये जो कंट्रोलर है जो सर्कल वाला वो मैं बात कर रहा था, ये पिन है यहाँ पे फिट करने के लिए कॉलर पिन। तो वहाँ पे आप ये जो कवर आता है उसमें, ये देखिए, ये इसमें आप आपका नाम यहाँ पे जो भी है नंबर लिख सकते हो। तो ये काइंड ऑफ फैसिलिटी दी है और ये उस पर कवर लगाना है। तो इसकी बिल्ट इन क्वालिटी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये भी ऐसे सॉफ्ट कवर दिया है जैसे जैसे बालों में आपको कुछ थोड़ा सॉफ्ट महसूस हो या फिर इसके लिए, तो वही मुझे तो यूज़ लगा, बाकी तो कुछ स्पेशल नहीं लगा। बट इसका एक प्रॉब्लम आता है, जब भी हम ये लगाते हैं तो थोड़े बाल उसमें अटक जाते हैं साइड में, बट वो एक्चुअली कंफर्टेबल रहने के लिए वो वहाँ पे रबर दिया गया है और काफ़ी, अगर हिले नहीं इसलिए। तो ये माइक आता है जैसे कि मैंने बताया, ये देखिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से आप उसको मोड़ सकते हो यहाँ पे उसी पर्टिकुलर एरिया में, जितना भी आपको मोड़ना है वो आप वैसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी इसकी लगी मुझे। और ये माइक भी है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, इसमें जो भी रिकॉर्डिंग होती है बहुत ही अच्छी क्लियर होती है, नॉइस कैंसिलेशन का अच्छा फीचर है इसमें। और ये जो ब्लूटूथ का और जो भी कंट्रोलर है जहाँ से आप ब्लूटूथ ऑन कर सकते हो इसका, हालांकि ये चार्जेबल नहीं है, ये जब भी आप अगर लैपटॉप को यूएसबी से आपका अगर कनेक्टेड हो
तभी आप इसको ब्लूटूथ से दूसरे फोन पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, ऑफिस पे लैपटॉप पे अगर आपने ये हेडफोन लगाया है, कनेक्ट किया है, और उसी टाइम आपको अगर फ़ोन भी कनेक्ट करना है, फ़ोन भी रिसीव करना है, तो सेम ही आप हेडफोन से वो यूज़ कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी मुझे इसकी लगी। तो आपसे आपको अलग आपका पर्सनल ब्लूटूथ या फिर वायर्ड हेडफोन रखने की ज़रूरत नहीं। जब भी आप ऑफिस में हो या फिर ऑफिस का काम कर रहे हो, आप सेम ही फ़ोन से आप फ़ोन मोबाइल से फ़ोन भी उठा सकते हो, लैपटॉप से भी फ़ोन उठा सकते हो। ये देखिए, ये ऐसे अभी मैंने कनेक्ट किया है कि OTG केबल से आप मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका ओवरऑल मैं आपको अभी ये देखिए, जैसे आप अगर आप ये कनेक्ट करोगे तो ये ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी, तब मतलब इसका मतलब आपका मोबाइल जो है इसको कनेक्ट कर सकते हो, और उसके वॉइस कंट्रोल सब आप इससे इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ओवरऑल ये इसका बिल्ट इन क्वालिटी, इसका प्राइस और एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें मैं कंसिडर करके मैं इसको देता हूँ 7 out of 10। कि बाकी सब क्वालिटी अच्छी है, बट जो 23,850 जो प्राइस इस मॉडल की है, उतना तो मेरे हिसाब से तो उतना वर्थ नहीं है। बट स्टिल अगर आप इसका नॉइस कैंसिलेशन और बाकी सारी चीज़ें, अगर फंक्शनलिटी, क्वालिटी, सर्विस ये कंसिडर करोगे, तो ये लगभग 10,000 to 12,000 के रेंज में होना चाहिए। अगर आप मार्केट में सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज आप देखोगे तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बाय बाय।